Now, political parties are gearing up for a high-stake poll battle in the state of Jharkhand as well. The BJP on Saturday released its list of candidates. Former Chief Minister Babulal Marandi and Jharkhand Mukti Morcha, or the JMM, turncoats Champai Suren and Sita Suren are among the 66 candidates that have been named by the BJP. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren revealed that consensus on 70 seats has been done as far as the India bloc is concerned. Remember, the JMM, the Congress and the RJD will be contesting the Jharkhand Assembly polls in an alliance. Meanwhile, in a no-holds-barred attack, Rahul Gandhi accused the BJP of controlling the EC, CBI and the ED as well as other central agencies. This happened during Gandhi's first visit to Jharkhand after the assembly poll was scheduled to be announced, was in fact announced. The assembly polls, just to give you a bit of a lowdown, in Jharkhand will take place in two phases on November the 13th and the 20th of November. Counting of votes will take place on the 23rd of November. देखिए, हमने बताया कि 70 सीटों पर हम लोगों ने पहले सहमति बनाई है और चूंकि ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी कुछ लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। देखिए ऑब्वियस हम लोग तो पहले मान के चल रहे थे कि सीता सोरेन जी को लड़ाएंगे ये लोग क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। सीता सोरेन जी को थोपा गया है वहाँ, वो खुद नहीं चाह रही थी वहाँ लड़े जो जानकारी मुझे मिला है, लेकिन जबरन उनको थोप दिया गया। वो चाह रही थी कि उनकी बेटी को जो जामा सीट दे दिया जाए, लेकिन भाजपा ने फिर से वहाँ गद्दारी किया। सच्चाई यही है सीता सोरेन जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है वो। अब लोकसभा में बहुत बुरी तरह से हारी हैं और हराने वाला कौन? चंपई सोरेन जी। इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है? इसका मीडिया को करना चाहिए, करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, लोकल शक्ति पार्टी, रामविलास, हम लोग मिलकर कर देंगे तो जहां हम लोग का गठबंधन मजबूती से झारखंड में हुआ है वही परिणामों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार झारखंड में बना। बहुत बढ़िया तैयारी आप लोग परिवर्तन यात्रा रैली में आप लोग देख लिया कि हर पानी के बीच में भी आदमी परिवर्तन यात्रा में उमड़ के आया। गांव से माँ बहन भाई बंधु सब आया। ये पूरा यहाँ का जनता का इच्छा है कि परिवर्तन का संकेत दे दिया है। अरे मिल के भी लड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। झारखंड के अंदर आजसू, जनता दल यू और लोजपा के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है तो इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में जीतेगी और झारखंड की व्यवस्था सत्ता को संभालने का काम करेगी और वैसी सरकार को जो 5 साल में झारखंड को बिल्कुल बीमारू राज बना दिया है उसमें परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जो हमारा अंतिम व्यक्ति तक योजना को पहुंचाने का काम किया है, सारे विकास योजनाओं को लेकर के गांव की ओर जाएंगे और यहाँ पर जिस तरह से विगत सरकार ने यहाँ पर भय पैदा किया है, जिस तरह से यहाँ पर बांग्लादेश से घुसपैठ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम गाँव की ओर जाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे।